local apa ni? Apa tu ni kan? पोरे अपुंग दिखाइए थोड़ा कलर दिखाइए ये राइस बियर जैसा है ना पीके देखो टेस्ट कैसा है हाउ इज द टेस्ट पीके देखो सिर्फ पानी से पानी सिर्फ तना पानी से ऐसा आप लोग जैसा लगा के और जाल इसको अलाव बोलता है स्ट्रांग है ना Not bad. गाइस अभी हम लोग यहाँ नानी भाई दो का घर जा रहा है ना नानी भाई दो इधर देखो ये आपका कॉलोनी है ना यहाँ का नानी भाई दो यहाँ का बॉस अच्छा लगा वो तंदा है ना हाँ तंदा ये आज हमारा फर्स्ट है नानी भाई दो का घर में चाहिए थेगा बहुत बहुत समय से आएगा उनके सोच रहा था आने नहीं पता नानी भाई देव कई बार इन्वाइट किया है ना आने नहीं सका लास्ट टाइम जीरो म्यूजिक फेस्टिवल आया था पर यहाँ आने नहीं सका इस बार नानी भाई देव के घर में चाय पीने के लिए दूर है क्या दूर है क्या से दूर नहीं ये बार ना आगे सब नानी भाई देव के घर जा रहे हैं तो गाइस ये देखो ये हमारा नानी भाई देव का घर है देखो इसका कंपाउंड हम बहुत दिन से यहाँ आने के लिए सोच रहा था नहीं आ पाया आज आके बहुत दिन का बाद आ रहा है आके अच्छा लगा काफ़ी सुंदर घर बनाया पहाड़ के चोटी पर छोटा सा पहाड़ है चोटी पर ये क्या है नानी बाबा आलू आलू पोट में आलू लगा दिया ना अभी आलू का सीजन है क्या फिर अलग डालेगा ना ओके 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 गाइस देखो ये है नानी बाजा हो गया तो सबसे पहले कंपाउंड थोड़ा देखेगा नानी बाजा ये इस तरफ से ना ये हरी बस्ती उस तरफ हो गया ना हरी बस्ती वो उधर में चल यहाँ से आज नानी बाजा का घर को शेयर करता है ये भी आपका घर ना ये क्या चंगर हरी बस्ती है गुला बस्ती जाने का रास्ता है गुला बस्ती ना और पुल 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 वाला जगह कहाँ था इस तरह में था ना यार रास्ता किनारे पुल पुल था ना और ये पेड़ लोग क्या है बोला ये सेमो ये पलम और नानी भाई तो पलम लाने वाला यहाँ से ना ये लोग पलम है सेमो क्या चीज है सेमो गुटी गुटी लाल हो गई ओके 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 ये सेमो मैं तो खाया नहीं होगा शायद लेकिन ये गाइस गाइस ये प्लम प्लम का फेयर देखिए प्लम तो मैं जरूर खाया हूँ क्या है स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी ऐसा होता है क्या अभी छोटा वाला स्ट्रॉबेरी ना ओके 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 तो ये है तो ये मेरा नानी भाई का घर है हेलो दफा बाथरूम में गुटे निकल रहे हैं ना वेलकम थैंक यू घर में आज दिखाना चाहूँगा है ना क्या ओके चलो तो गाइस दिखता है ये है नानी वायदा हम काफ़ी सुंदर है ये कमन रूम ना बेडरूम अंदर में और ये आग जलाने का वाह
अच्छा है तो। और ये भी छोटा सा कमर रूम ना, ये है हमारा अपन ट्रेडिशनल घर बोलेगा ना, अपन ट्रेडिशनली घर। चौका भी है यहाँ आग आग जलाने के लिए। जीरो में काफ़ी ठंडा है, अभी भी ठंडा है ना यहाँ में। नहर लगन में हम लोग ठंडा गर्म है सोच के, इसलिए गर्म कपड़ा नहीं लगेगा सोचा था। ठीक है, इसलिए आपको फ़ोन कर लिया, नहीं तो मुश्किल था। तो गाइस ये और ये किचन, ये है किचन, नानी भाइयों का घर किचन काफ़ी। और ये डाइनिंग और ये बेडरूम लोग ना, अभी हम लोग आगे बैठे। हमारी बताइए नानी भाई घर कैसा लग रहा है, सुंदर है ना, आप आके खुशी है। ओके, तो ये मेरा बेटी लोग बहुत खुश है बोला। और ये यहाँ पर क्या है, पाइप ना, पानी पाइप। और यहाँ से ये है बाथरूम। वाह, नानी भाई दो पहले जो बना रहा था, ये नानी भाई दो का बाथरूम। ये क्या नाम है इसका, बेला। बेला पहले रास्ता दिखा रहा है ना, बेला रास्ता दिखा रहा है। चलो नानी बेला, ठीक है। तो है हमको लीड कर रहा है, देखिए बेला आप दिखा रहा है ना, व्यू दिखा रहा है। बेला बेला नानी बेला, तुम गिरेगा थे, ठंडा है। देखो उधर से व्यू देखो ना, वाह ये देखो, ये जीरो का व्यू। यहाँ पर नानी भाई वगैरह से व्यू देख सकता है। और इस तरफ ये ऊपर में है कासा रिसोर्ट, कासा रिसोर्ट सामने है, नानी भाई वगैरह से काफ़ी सामने पर गया है। देखिए नानी भाई तो अगर आया दो, आया दो क्या जगह, आया दो अगर आया दो टॉप में है ना, सुंदर लग रहा है। और ये सब लोग बढ़ते लाइन में। और ये देखो एक प्रकार का ये बैम्बू है, चाइनीज बैम्बू बोलेगा इसको ना। हाँ ये देखो गाइस, जीरो में ये जो है बहुत फेमस है, ये बैम्बू जो है हमारा पपुमपर में ये कम दिखने के लिए मिलता है, लोअर सुबनसिरी में ये चीज़ ज़्यादा है। ये एक प्रकार का चाइनीज बैम्बू है। तो ये अभी नानी बंदों के घर में चाय और साथ में ये क्या है, नमकीन मीठा भुजा और नमकीन है। तो गर्मा गर्म चाय। तो गाइस अभी नानी भाई का घर का चाय, आप देख सकते हैं यहाँ काफी, अभी मार्च का महीना है पर काफी ठंडा है यहाँ पर। तो गर्मा गर्म चाय, थैंक यू नानी भाई चाय पिलाने के लिए। पोरे अपुंग दिखाइए, थोड़ा कलर दिखाइए, ये राइस बियर जैसा है ना। पी के देखो टेस्ट कैसा है, हाउ इज द टेस्ट, पी के देखो। सिर्फ पानी से, पानी सिर्फ पानी से ऐसा आप लोग जैसा लगा के और जाल। स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। ये है आपको तुम्हें ट्रेडिशनल राइस बियर बोलेगा या फिर मिलेट फिंगर मिलेट बोलेगा। नानी मैं ये मारवा मिक्सअप है ना, चावल का साथ मिक्सअप वाला है ना। तो ये जो है फिंगर मिलेट और आपका राइस जो है राइस का साथ मिलाने वाला ना, चावल और ये है ना मरुआ मिला के बनाने वाला, ऐसा है ना। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पिके पिला पिके पिला है
ये पिके पहले क्या क्या का है, क्या मीत का है? मीत माने गौरी का, काय का नहीं है, गौरी का। गौरी का गौरी मीत डालता है, गौरी दकाटन जैसे कर गया। तो ये पिके पिला गाइस, ये देखो ये पिके पिला सुंगर का मीट से बनाया है, पिके पिला सुंगर मीट से ना, पोर्क मीट से बनाया है। तो ट्राई करके देखो, और एक बार ऐसा ना। ओके, मैं तो पिके पिला एक्चुअली पोर्क नहीं खाता है, तो मैं पोर्क पिके पिला नहीं लूँगा। तो आज के लिए ये चाय पिया, और ये नानी वाइदो ने एक लोकल वाइन दिया, काफ़ी अच्छा है। टेक्सचर देख सकता है, थोड़ा सा डार्क है ना, डार्क जैसा है, पीने में काफी डिफरेंट है। और ये देखो, ये अपाट नगर में जनरली ऐसा चीज देखने मिलता है, ये है पोर्क का चमड़ा, पोर्क का चमड़ा देखिए, इस प्रकार से देखिए। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका और एक नई ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली ऐसा है कि कल शिवलिंग देखे आ गया है, तो माँ एक्चुअली जिद कर रहा था काली देखे, मैं एक्चुअली सोचा था कि आज देखेगा बोल के, तो एनी वे कल देख लिया है। और देखने के बाद बहुत तक भी गया था, और एक नानी भाइयों का घर गया था, तो मैं कंटिन्यूस ब्लॉग नहीं बना पाया। उसके बाद फिर एक नानी भाइयों या जीरो का यहाँ का पटने औरत है, तो उसका घर में बुलाया, इनवाइट किया और चाय पानी पिलाया, और मैंने लोकल वाइन भी देखा, तो मैंने लोकल वाइन भी पिया है। और वहाँ से वो उसका घर में सोने के लिए तो इन्वाइट कर रहा था, पर मुझे लगा कि मेरा परिवार ज़्यादा है, मेम्बर ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ होटल आ गया। अभी मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ का होटल का नज़ारा, और आज मैं यहाँ जुलो को एक्सप्लोर करूँगा। और जो है नानी भाई तो अभी वहाँ रुक रहा है, तो आज हम लोग को यहाँ जुलो का जो कौन कौन सा अच्छा लोकेशन है वहाँ ले जाएंगे। तो गाइस, तो मैं आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आज हमारा होटल का जो रूम का नज़ारा, इतना ठीक ठाक है, इतना ख़ास कुछ नहीं है। और एक्चुअली कल रात भी हो गया, तो हम इसलिए थोड़ा होटल जो है अलग अलग होटल ढूंढ नहीं पाया था, और इसलिए जो मिल गया उसी में आ गया। तो यह हाईवे का सामने में था होटल, जर्मिन होटल जो है, जर्मिन होटल, तो मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ का। तो ये है हमारा बेड, दो बेड है छोटा सा। तो यहाँ सब लोग अभी रेडी हो चुका है, और ये रूम काफ़ी ठीक ठाक ही है, छोटा सा टीवी दिया है, और यहाँ पर आप वार्डरोब कुछ आपका कपड़ा वगैरह रख सकता है। देखिए ये काफ़ी है, और ये छोटा सा बाथरूम है। अभी एक्चुअली ये घर शायद नया है, गीजर भी दिया है, तो ये है छोटा सा बाथरूम। और मैडम जी आप रेडी तैयार है? ये रेडी कर रहा है। सब लोग निकलने से पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। तो गाइस ये देखिए होटल का नज़ारा, हाईवे ठीक सामने पर है, और ये जिमिन होटल, सॉरी हम जर्मिन बोला है, जिमिन होटल आप देख सकता है, ये है जिमिन होटल। हमारा गाड़ी वहाँ पर है, और यहाँ से सीधा हाईवे आगे। यह इस होटल का रेस्टोरेंट है, यहाँ सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिया था। ये देख सकता है काफ़ी ठीक ठाक है, फ्रेश है, क्लीन है। और मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाना चाहूँगा, ये जीरो बेल का व्यू देखो गाइस, इस होटल से आप इतना सुंदर नज़ारा व्यू देख सकता है। हापोली इस तरफ बैठ गया है नीचे पर, और ये हापोली और ओल्ड जीरो के बीच में, यहाँ ऊपर ओल्ड जीरो टाउन। तो गाइस मैं आपको यहाँ से होटल का नज़ारा दिखाया, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेगा, अभी जीरो एक्सप्लोर करना है। तो ये हमारा रूम देख सकता है 203। चलो भाई यहाँ पर रेडी हो गया, तो चलो चलो, तो चले।
तो अभी यहाँ से हम लोग पेमेंट सब लोग हमारी अभी जो घूमनेगा ना गाइस, अभी यहाँ पेमेंट करके हम लोग निकलेगा। ये था हमारा होटल, ये लोग अभी होटल से निकलते हुए तो ये जर्मिन होटल। आज हमको यहाँ लेके जाएगा, तो ये आप देख लीजिए, ये नज़ारा बहुत सुंदर नज़ारा है, देखो वाओ, देखो बहुत ठंडा है ना। ये देखो ये लोग मछली